हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक न्यूमेरिकल। ओके, एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बेसिस पे है। ओके, तो पहले जो वीडियोस थे मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ कि सीओपी कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला सीओपी ऑफ हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ये सब उसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज इस न्यूमेरिकल के कैसे सॉल्व करते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये न्यूमेरिकल आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए मशीन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 केल्विन एंड 260 केल्विन। ओके, एक मशीन है जो कार्नोट साइकिल में ऑपरेट हो रहा है और उसका टेम्परेचर लिमिट दे दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर लिमिट कितना दिया है, हायर टेम्परेचर है हमारा 305 केल्विन। ओके, तो गिवन कंडीशन क्या दिया है, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है कितना हमारा 305 केल्विन। ओके, और लोअर टेम्परेचर कितना दिया हुआ है हमारा, लोअर टेम्परेचर इज गिवेन हाउ मच, सी लोअर टेम्परेचर इज गिवेन 260 केल्विन। ओके, तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर दिया है। डिटरमाइन सीओपी व्हेन इट इज ऑपरेटेड आज रेफ्रिजरेटिंग मशीन, हीट पंप एंड हीट इंजन। तो हायर लिमिट दे दिया है, हायर टेम्परेचर दे दिया है, लोअर टेम्परेचर दे दिया है। अब क्या बोला गया है आपको कि सीओपी निकालने के लिए, वही मशीन अगर रेफ्रिजरेटिंग मशीन में काम करे, वही मशीन अगर हीट पंप में काम करे और वही मशीन अगर हीट इंजन में काम करे, तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ओके, वी विल सॉल्व फर्स्ट आज इफ द मशीन विल बी ऑपरेटेड आज रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगी। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। ठीक है, हमेशा अब जो भी आप ऐसे टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो पहले आप ब्लॉक डायग्राम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा ये क्या है, सिंक है, ये हमारा सोर्स है। ओके, तो सोर्स इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर। ओके, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, T1 दे रही हूँ। ओके, T1 इक्वल टू 260 केल्विन। सो इन क्वेश्चन T1 इज इक्वल टू 260 केल्विन गिवेन। हमें पता है कि सिंक जो है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। ओके, सिंक जो है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है और सोर्स जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है। ओके, तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना दे दिया है, 305 केल्विन दे दिया है, उसको मैं T2 लिख रही हूँ। ओके, T1 इज इक्वल टू 260 केल्विन एंड T2 इज इक्वल टू 305 केल्विन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पर वर्क डन भी सप्लाई हो रहा है, वरना हीट तो कभी फ्लो नहीं करेगी सिंक से सोर्स तक, until and unless you supply and work to the refrigerating machine, इतना हमें पता है। ठीक है, तो हमारा लोअर टेम्परेचर, सिंक हमेशा लोअर टेम्परेचर में रहता है, तो उसको मैंने क्या दे दिया है, T1 260 केल्विन, सोर्स हमेशा हायर टेम्परेचर में मेंटेन करता है, तो T2 हमारा कितना दे दिया है, 305 केल्विन। अब हम क्या करते हैं, सीओपी कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जब हम रिवर्स कार्नोट साइकिल की डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे रिवर्स कार्नोट साइकिल का, वो थोड़ा आप देख लीजिए, उसमें आज से आपको पता चल जाएगा कि सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन क्या है। ओके, तो वहां पर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था, सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज हाउ मच, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 हम लोगों ने वो सीओपी वहां निकाली थी। ठीक है, तो T1 हमारा लोअर टेम्परेचर है और T2 हमारा हायर टेम्परेचर है, वहां पर मैंने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किए थे, हम लोगों ने पूरा सीओपी का डेरिवेशन किए थे और फिर वहां हम लोगों ने T1 को लोअर टेम्परेचर लिए थे और T2 को हायर टेम्परेचर लिए थे, वैसे ही सेम मैं यहाँ पर जो डिनोट भी वैसे ही की हूं इस प्रॉब्लम में, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो ओके, तो T1 हमारा कितना है, 260 केल्विन। ओके, T2 कितना है हमारा, 305। ओके, सो 305 माइनस 260, राइट। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5.78। ओके, 5.78 मिलेगा, राइट।
ये हो गया आपका रेफ्रिजरेटिंग मशीन। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट क्या करेंगे, अभी अभी नेक्स्ट क्या दिया है, हीट पंप दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा, हम लोगों ने निकाल दिया 5.78 इज द आंसर ओके ऑफ द सीओपी। सीओपी का सीओपी कितना निकला हमारा, 5.78 निकला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हीट पंप की तरफ चलते हैं। ठीक है, हीट पंप की तरफ चलते हैं, वही सेम मशीन, वही सब कुछ, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हीट पंप की और डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि आपका हाई टेम्परेचर जो है वो 305 केल्विन है और लोअर टेम्परेचर भी कितना है हमारा, 260 केल्विन है, लेकिन फर्क इतना है 260 केल्विन राइट, लेकिन फर्क क्या है कि अब ये जो मशीन है वो हीट पंप से काम करेगा, तो उसका सीओपी अब हम निकालने वाले हैं। ठीक है, उसका हम लोग सीओपी निकालने वाले हैं राइट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर से वो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ये रहा आपका सिंक जो ऑपरेट हो रहा है एट T1 टेम्परेचर, ये हुआ आपका सोर्स जो मेंटेन हो रहा है एट T2 टेम्परेचर ओके, और कुछ वर्क डन दे रहा है ओके। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ द हीट पंप। ठीक, तो हमारा T1 कितना दे दिया है, T1 इज अ लोअर टेम्परेचर ओके, दैट इज गिवन 260 केल्विन ओके। अभी सोर्स का टेम्परेचर कितना दे दिया है हमारा, 305 केल्विन ओके। सो T1 इज गिवन, T2 इज गिवन, यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट सीओपी, आपको सीओपी कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अभी रेफ्रिजरेटिंग मशीन का कितना था सीओपी, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। देखिए सीओपी ऑफ द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन आपको कितना पता है, T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ओके। और एक फॉर्मूला आपको पता है कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, इतना आपको पता है। ठीक है, तो सीओपी ऑफ द हीट पंप कितना हमारा फाइन, अगर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो इन प्लेस ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में ये वाला ये डाल रही हूं, इन T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ओके। सो हमें कितना मिल रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो सीओपी ऑफ द हीट पंप इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 राइट। सो सीओपी ऑफ हीट पंप को T2 कितना है हमारा, 305 केल्विन ओके। सो 305 डिवाइडेड बाय 305 माइनस T1 इज 260 केल्विन ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 6.78 मिलेगा ओके, 6.78 मिलेगा। तो ये आंसर है आपका। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि यही टेम्परेचर, यही हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर यही रहेगा। दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि उसका वही मशीन, लेकिन वो आज हीट इंजन ऑपरेट करेगा। ठीक है, आज हीट इंजन ऑपरेट करेगा राइट। तो हमारा जो हायर टेम्परेचर है वो कितना है दोस्तों, 350 केल्विन राइट, सॉरी 305 केल्विन, 305 केल्विन। लोअर टेम्परेचर इज हाउ मच, 260 केल्विन ओके। ये 305 केल्विन, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है राइट, तो अब हम क्या करेंगे, हीट इंजन का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे राइट, उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका सोर्स ओके, ये रहा आपका सिंक, सिंक इज ऑलवेज मेंटेन एट लोअर टेम्परेचर एंड द सोर्स इज ऑलवेज मेंटेन एट हायर टेम्परेचर राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2, यही फॉर्मूला हमें मिला था। ठीक है, T1 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T2 इज द हायर टेम्परेचर। ये रहा आपका T1, ये रहा आपका T2 ओके। तो अब हम क्या करेंगे, T2 हमारा कितना हुआ, T2 कितना दिया हुआ है, 305 ओके, T1 कितना है, 260 ओके, डिवाइडेड बाय T2
T2 is how much? 305 केल्विन. ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो सोर्स है ना वो मेंटेन किया गया है टेम्परेचर T2 पे, सिंक जो है वो मेंटेन किया गया है टेम्परेचर T1 पे. ठीक, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इटा इज इक्वल टू हाउ मच वी विल गेट, 0.147. ठीक है, ये होगा हमारा आंसर. आई होप आपको ये वीडियो में ये न्यूमेरिकल समझ में आ गई होगी. अगर कुछ डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.